अब इंटरनेट पे इतने साल गुजारने के बाद आपने चाइना के बारे में कई सारी चीजें सुनी, पढ़ी और देखी होगी, पर आज हम आपको बताएंगे चाइना के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनको सुन के आप भी चकित हो जाएंगे। जहां चाइना में पानी से डेड बॉडीज निकालने की भी नौकरी मिल सकती है, वहां के बच्चों को डायपर्स नहीं बल्कि होल वाले पैंट्स पहनाए जाते हैं, औरतों को फिर से वर्जिन बनाने का काम भी चाइना में हो सकता है, और वहां की शादियों में होने वाले अजीबोगरीब रीति रिवाज। ऐसे ही कुछ दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो उनके जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सेंट्रल हिंदी के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। नंबर 10, अंगूठी का कानूनी महत्व। अब शादी से पहले मंगनी का रिवाज तो सभी जगह पे होता है, पर चाइना के कुछ हिस्सों में इसे कानूनी महत्व भी दिया जाता है। हाँ, वहाँ मंगनी का ज्यादा धार्मिक महत्व तो नहीं है, पर अंगूठी पहनाने के बाद वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, ये कानूनी है। इस वक्त पर दोनों परिवार एक दूसरे को तरह तरह के उपहार और भेंट भेजते हैं, जिसमें से कुछ चीजें चीनी रीति रिवाजों के हिसाब से कंपल्सरी भेजी ही जानी चाहिए। नंबर 9, अजीब टेबल मैनर्स। अब जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें हमेशा सिखाया गया है कि खाना खाते टाइम हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए और ठीक से खाना खाना चाहिए, पर चीनी के रीति रिवाज तो कुछ अलग ही है। जो चीजें बाकी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल नहीं है वो चाइना में चलता है, जैसे कि चाइना के वियतनाम में खाना खाते समय थूकना, बिना मुंह ढके दकार मारना, उबासिया लेना कम्प्लीटली नॉर्मल है। हालांकि इंडिया में भी ये चीज काफी हद तक लोग करते हैं, पर ये रूल्स बेसिक टेबल मैनर्स को फॉलो नहीं करती, और काफी सारी जगहों पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इसे काफी डिसगस्टिंग माना जाता है। पर अगर आप चाइना में थोड़े समय के लिए रहेंगे तो हो सकता है आपको इसकी आदत ही लग जाए। नंबर 8, दुनिया के सारे पैंडा सिर्फ चाइना के पास है। अब पैंडा एक ऐसा जानवर है जो चाइना में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी पैंडास हैं वो सब चाइना ही ओन करता है और कोई भी नहीं। और अगर आपको किसी दूसरे देश में पैंडा देखने को मिल जाए, इसका मतलब ये है कि उन पैंडास को खुद PRC यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने उन्हें वो पैंडा दिए हैं। पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी वहाँ कोई पैंडा का बच्चा पैदा होता है तो उसे तुरंत ही चाइना भेज दिया जाता है, ताकि वो लोग उसका ख्याल रख सके और पैंडा की प्रजाति को और भी आगे बढ़ा सके। नंबर 7, वहाँ के बच्चों को डायपर नहीं पहनाए जाते। अब पहले के जमाने की बात अलग थी, जब डायपर नहीं हुआ करते थे, और हाँ तब दिन भर सारी मम्मियों का काम बढ़ ही जाता था। पर आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को डायपर्स पहनाना प्रेफर करते हैं, जहां उन्हें बार बार बच्चों के कपड़े बदलने नहीं पड़ते। लेकिन चाइना में तो अलग ही केस चल रहा है। वहां के पेरेंट्स ज्यादातर डायपर्स यूज नहीं करते, बल्कि वहां के बच्चों को स्पेशल तरह की पैंट्स पहनाई जाती है, जिसमें नीचे एक बड़ा सा होल होता है, ताकि जब भी बच्चे चाहे अपना काम कर सके। आखिर इसे ही तो इको लाइफ कहते हैं। नंबर 6, अजीबोगरीब खाना। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चाइना में लोग काफी अजीब अजीब चीजें खाते रहते हैं, स्पेशली वहां का नॉनवेज। कहा जाता है कि चाइना में टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर चार पैर वाली चीज को खाया जाता है। जी हाँ, चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती है। इनफैक्ट वहाँ रास्ते पे केकड़ों की वेंडिंग मशीन्स भी रखी जाती है, जहाँ लिटरली जिंदा केकड़े बेचे जाते हैं। चाइना में जानवर, कीड़े, पक्षी हर चीज को खाया जाता है, और लास्ट जब किसी ने चमगादड़ खाया था तो आपको पता ही है क्या हुआ था। नंबर 5, चीन के सैनिक। अब चाहे एरिया के मामले में हो या पॉपुलेशन के मामले में, चाइना दोनों में ही बहुत आगे है। तो इतने बड़े देश की सुरक्षा के लिए आर्मी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, जो कि है भी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सैनिकों की ट्रेनिंग कितनी कड़ी होती है? अब चाइना एक ऐसा देश है जिसके जितने दोस्त हैं उतने ही दुश्मन भी, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन इसी के कारण आर्मी का ताकतवर और मजबूत होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आर्मी के सोल्जर्स में डिसिप्लिन नहीं होगी तो वो किस काम के?
इसीलिए इन चाइनीज सोल्जर्स की गर्दन हमेशा सीधी रखने के लिए उनके कॉलर पर एक नोकीली पिन फिट की जाती है, ताकि अगर वो चाहे तो भी अपनी गर्दन झुका नहीं सकते। नंबर 4, चाइना में सांस लेना मतलब मौत को दावत देना। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, सांस लेने से मौत? जी हाँ, चाइना के बीजिंग शहर में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि वहाँ की हवा में सांस लेना 21 सिगरेट पीने के बराबर माना जाता है, जो कि आपकी जान के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिर आप सोचेंगे कि अगर वो हवा इतनी ही जहरीली है तो वहाँ रहने वाले लोग कैसे सरवाइव करते होंगे। तो बात ऐसी है कि कोई भी इंसान किसी जगह पर लंबे समय के लिए रहे तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को वो उसी तरह ढाल लेता है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि वो जहरीली हवा उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन हाँ, हमसे तो कम ही असर करेगी। और इसी से बचने के लिए वहाँ के लोग ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करते हैं जिंदा रहने के लिए। तो अगर आप बीजिंग जाने का सोच रहे हैं तो अपने बैग में ऑक्सीजन मास्क साथ लेना ना भूले। नंबर 3, क्या किडनी बेचकर आईफोन सच में खरीदा जा सकता है? अब इंटरनेट पर आपने कभी ना कभी किडनी बेचकर आईफोन खरीदने वाले मीम्स के बारे में जरूर सुना या देखा होगा, पर क्या सच में ऐसा किया जा सकता है? तो चीन के एक व्यक्ति ने इस चीज को सच बना दिया। जी हाँ, 2011 में 17 साल के वांग शंगकुन ने सही में अपनी किडनी बेचकर आईफोन खरीद लिया। हालांकि उस दिन के बाद उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट पर जाना पड़ा और रेनल डेफिशिएंसी के कारण उन्हें हमेशा के लिए डायलिसिस मशीन से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो भाई, मजाक अपनी जगह और हकीकत अपनी जगह। इन मीम्स या किसी भी तरह के जोक्स को ट्राई करने से पहले एक बार जरूर सोचे। नंबर 2, चाइना में आप पानी में से डेड बॉडीज निकालने की नौकरी भी कर सकते हैं। जी हाँ, पहली बार सुनने में जितना अजीब लग रहा है तो सोच कर देखिए इसे करना कितना मुश्किल होगा। असल में पिछले कुछ सालों में चाइना सुसाइड कैपिटल बन चुका है और काफी सारे लोग वहां नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। चाइना सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख लोग हर साल इसी तरह अपनी जान दे देते हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं होती है। ये प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई थी कि सरकार को स्पेशल लोग असाइन करने पड़े इन डेड बॉडीज को पानी में से बाहर निकालने के लिए, ताकि उन डेड बॉडीज को वापस उनके परिवार वालों तक पहुंचाया जा सके और उनकी अंतिम विधि की जा सके। नंबर 1, चाइना में लड़कियों की वर्जिनिटी वापस लाई जा सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये भी पॉसिबल है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? तो अगर आपको वर्जिनिटी का मतलब नहीं पता, तो जब भी कोई लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल होती है तो उनकी बॉडी में एक हाइमन नाम की पतली सी लेयर टूट जाती है और वो ब्लीडिंग के जरिए बाहर आती है, और इससे लड़कियां अपनी वर्जिनिटी खो देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना में वहां की लड़कियां अपनी वर्जिनिटी वापस पा सकती है? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये होता है एक स्पेशल सर्जरी से, जिसमें लड़कियां फिर से अपनी हाइमन बॉडी में लगवाती है शादी से पहले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके होने वाले पति को उनकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में जरा सा भी पता चले। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करके इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचा सकते हैं, तो कर दीजिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आज आपने कुछ नया जाना हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम हमारे चैनल पे ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं, तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। तो बस आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।